अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज की जो वीडियो है, अगेन एक ड्रेस डिज़ाइनिंग पे मैंने वीडियो बनाई है, और इसमें सिंपल सी जो है वो 3 शर्ट्स हैं, जो लॉन की शर्ट्स होती हैं, उनको हम किस तरह से ट्राउज़र के साथ दुपट्टा कैसा मैच कर सकते हैं, ज्वेलरी किस किस्म की पहन सकते हैं, तो उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये है नंबर 1 पे शर्ट। इसकी पहले आपको एक पूरी लुक दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी शर्ट है, जैसे समर में पहनते हैं हम। इस पर कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ हुआ, ऐसे इसका गला जो है वो बिल्कुल सिंपल सा सादा सा गोल है, और फिर आगे छोटा सा वी है। अगर आप चाहें तो आप इसके आगे हुक भी लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। इसके आगे ये एक पैच लगा हुआ है, जिसपे रेड कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये अलग से एक पैच है, और इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे ब्लैक कलर के मोती हैं, वो लगे हुए हैं। सेम वही पैच अगेन यहाँ पर भी लगा हुआ है साइड पर, जैसे फ्यूजन प्रिंट होता है ना, उस टाइप का प्रिंट है इस शर्ट का। और इसका जो नीचे का जो होता है ना दामन, उस पर ऐसे क्रॉस के डिज़ाइन बना हुआ है पिंक और ग्रीन कलर में। तो ये एक सामने का पूरा फ्रंट है, और बैक भी जो है वो सेम ऐसी ही है, जैसे आपको बीच में अंदर का प्रिंट नज़र आ रहा है ना ब्लैक, वैसी बैक है। और ये इसके बाजू हैं, इस पर भी ऐसे क्रॉस बने हुए हैं, और आगे ये प्रिंट है जैसे नीचे शर्ट के दामन पर। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसके बाजू हैं, कोई उस पर कोई ऐसा जो है ना वो डिज़ाइन नहीं बना हुआ स्टिचिंग में। उसके बाद जहाँ पे आप चाहें तो इसके साथ ब्लैक टाइट्स भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र जहाँ पे जो है वो पेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल ब्लैक भी पहन सकते हैं आप, और ये वाला भी इस तरह का डिज़ाइन वाला भी। इसके नीचे लेस लगी हुई है, फिर 3 प्लेट्स हैं, और फिर ऊपर एक जो है ना वो थोड़ी सी चौड़ी लेस लगी हुई है, और जो है ये स्ट्रेट ट्राउज़र होता है बिल्कुल वैसा है। उसके बाद ये दुपट्टा है, इसके साथ सिंपल ब्लैक दुपट्टा भी मैच कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये एक नेट का दुपट्टा है, आई थिंक इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने दिखाया था। आगे से नेट का है, और पीछे से जो है वो ऐसे शाइन साइज में है, और ये ट्राउज़र के साथ थोड़ा सा मैच भी कर रहा है। तो ये फर्स्ट लुक थी शर्ट के साथ ट्राउज़र और दुपट्टा। इसके साथ आप बिल्कुल सिंपल से छोटे से झुमके पहन सकते हैं, टॉप्स पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। और ये एक सिंपल सी रिंग है वाइट कलर की। सेकेंड शर्ट भी दिखा देती हैं आपको, सिंपल, इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ी सी फॉर्मल है, सिंपल मेरे मुंह से निकल गए। तो इसका जो गला है ऐसे गोल है, लेकिन इस पे आगे पाइपिंग लगी हुई है। फिर ये पूरी जो है ना ये पट्टी है, जिसका डिज़ाइन है प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। आगे बटन है इसके, और फिर जैसे कुर्ते के साइड पर बनी होती है ना, बिल्कुल इसके भी दोनों साइड पर वैसे ही पट्टी लगी हुई है। और बहुत अच्छा डार्क शाइनी सा रेड कलर है इसका, ये सफ़ायर से है। उसके बाद इसके दोनों साइड पे इस तरह से 3 चुंटे डली हुई हैं, या प्लेट्स कह लें, और इसकी दोनों साइड पे ऐसे पॉकेट्स भी हैं। और जो फ्रॉक है इसका, जो इसकी लेंथ है वो आपके घुटनों तक है, छोटा इसकी जो लेंथ है वो छोटी है, बड़ी लेंथ नहीं है, और इतना फ्लेयर भी नहीं है इसका। बाजू इसकी देख लें, सामने ऐसे पट्टी सी लगी हुई है, एक बटन है, और दोनों साइड पर ऐसे फ्रिल लगी हुई है। थोड़ा नया सा डिज़ाइन है, इतना कॉमन नहीं है, और आप चाहें तो इस तरह का आप स्टिच भी करवा सकते हैं, सेम आप टेलर को जो है वो डिज़ाइन देखे। और कपड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसमें ऐसे प्रिंट्स है। और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र मैच किया है, चाहे तो आप ब्लैक सिंपल भी ले सकते हैं, लेकिन शर्ट थोड़ी सी फॉर्मल है, तो मैंने उसके साथ ट्राउज़र भी वैसा ही लिए। और ये ट्राउज़र जो है वो जैसे बनारसी प्रिंट होता है बिल्कुल वैसा है, और थोड़ा सा इसमें ऐसे है कि बेल बॉटम है, ये प्लाजो नहीं है और स्ट्रेट भी नहीं है, थोड़ा सा बेल बॉटम इसकी शेप है, जब पहने तो ज़्यादा जो है ना वो अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है बिल्कुल सिंपल ब्लैक दुपट्टा, जो पिछले वाला दुपट्टा था वो भी आप इसके साथ जो है वो ले सकते हैं। और इसके चारों साइड पे ऐसे जो है वो लेस लगी हुई है ब्लैक कलर की। तो ये वाला जो था वो सेकेंड सूट कम्प्लीट हो गया। ये रिंग मैंने मरी से ली थी, इसके साथ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैच कर रही है, क्योंकि इसमें भी मल्टी कलर हैं, तो इस टाइप की कोई आप रिंग पहन सकते हैं। और ये झुमके भी बड़े मैच करेंगे उसके साथ, क्योंकि उसमें भी जो है वो गोल्डन साइज से जो है वो आता है। तो ये लुक थी। अब आ जाते हैं थर्ड शर्ट पे। ये भी बिल्कुल जो है ना वो सही समर का प्रिंट है, जैसे बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं ना वैसा। और कैमरा में इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ रहा है, जहाँ से मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये खाड़ी का है, और इसका ऐसे जो है वो बैंड बनी हुई है। ब्रांड कॉन्शियस मत समझेगा कि मैं आपको ब्रांड्स के नाम बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और जब आप कोई स्टिच शर्ट लेते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप किसी ब्रांड से लेते हैं, अगर अनस्टिच्ड हो तो वो आप कहीं से भी लेके सिलवा सकते हैं।
लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए ज़्यादा इजी होता है कि वो स्टिच कपड़े मंगवा लें या फिर वहाँ से ऑर्डर कर लें। तो ये इसकी कुर्ता शेप में इसकी जो बाजू हैं वो स्टिच हुई हुई है और ये इसका आगे का फ्रंट है, एक पैच लगा हुआ है इसके ऊपर अलग से प्रिंटेड और बिल्कुल प्रिंट है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ नहीं है। इसके साथ भी आप टाइट्स भी पहन सकते हैं वाइट और वाइट सिंपल ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ये वाला ट्राउज़र मैच किया है। देखें इसके साथ मैच भी हो रहा है, इसमें सेल्फ प्रिंट है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है और ये इसका नीचे का प्रिंट है, सॉरी डिज़ाइन है। ये लेस लगी हुई है फ्रिल वाली, फिर तीन प्लेट्स हैं और फिर एक छोटी सी लेस लगी हुई है। तो ये इसका डिज़ाइन है। शर्ट क्योंकि बहुत सिंपल है तो इसीलिए ट्राउज़र आप थोड़ा सा मैच कर लें उसके साथ। दुपट्टा मेरे पास वाइट था तो मैंने वो इसके साथ मैच किया है। इस शर्ट में जो पिंक सा कलर है पर्पल सा, वो भी उसके तरह का दुपट्टा भी आप ले सकते हैं। और जो इसका दुपट्टा है इसके भी चारों साइड पे जो है वो लेस लगी हुई है। और एंड पे इसकी ज्वेलरी आपको दिखा देती हूँ, सिंपल से ये स्टड्स और उसके बाद ये रिंग। अगर आपने इसको सिंपल लुक में रखना है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपने इसको थोड़ा सा फॉर्मल करना है तो ये सेट बहुत प्यारा लगेगा इसके साथ गले में और इसके छोटे से टॉप्स हैं। तो ये वीडियो थी, सॉरी ओज की आवाज़ें अगर आपको आई हो, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे थोड़ी सी खामोशी हो। बाय, ये वीडियो थी, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें।